आज मैं आपके लिए बनाऊंगी जलेबी, आटे की जलेबी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ आटे की जलेबी। तो इसके लिए आपको जो जो चाहिए, ये है एक बाउल आटा। ये मेरा मिक्स्ड आटा है, चना और जौ का मिक्स मिला हुआ। आप सादा आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कप, एक बाउल करीब चीनी, एक बड़ा बाउल दही, चुटकी भर कलर, ये खाने वाला कलर होता है जो आप मिला सकते हैं इसमें जलेबी बनाने में, और दो मैंने इलायची कूट के रखी हुई हैं। अब हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें आटा। मैंने इसमें आटा डाल दिया है। अब ये जो हमारा चुटकी भर कलर है इसको डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, कलर जो है पूरे इसमें चला जाए। ये खाने वाला कलर होता है, आपको किसी भी मार्केट किसी भी शॉप पर आपको मिल जाएगा। हमने मिक्स कर लिया है। अब जो हमारा दही है उसको हम डाल देते हैं इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह इलायची पाउडर डाल देते हैं और हम इसको करीब ओवरनाइट के लिए इसको भिगो के रख देंगे, या 5-6 घंटे करीब भिगो सकते हैं। देखिए हमारा बन चुका है। मैंने इसको करीब 5-6 घंटे के लिए रख दिया था। और अगर आपको मान लीजिए बहुत जल्दी जलेबी बनानी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के भी इसको अच्छे से बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये फ्लफ़ी हो रहा है। और इसी के साथ हमें पानी भी चाहिए थोड़ा सा, जो हम चाशनी के लिए करेंगे, और ऑयल भी चाहिए जो मैंने कढ़ाई में डाल के रखा है, करीब 4 बड़े कड़छी ऑयल। और इसको मैंने गैस ऑन कर दी है। और इसी तरह से एक पैन ले लिया है। इस पैन में हम सबसे पहले जो चीनी दिखाई थी मैंने आपको, चीनी हम डाल देंगे। एक बाउल चीनी थी वो हमने डाल दी है। और जो पानी था, पानी हम जितना हमने चीनी लिया है उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे और हम चाशनी तैयार होने के लिए रख देंगे। साथ ही हमें कॉटन का कपड़ा ले लेंगे। इसमें हमें बीच में थोड़ा सा होल कर देंगे। इसके अंदर हम पेस्ट डाल के, जलेबी वाला जो मतलब आटे का हमने मिक्सर रखा है पेस्ट, उसको हम डाल के और फिर उसको जलेबियाँ बनाएंगे। तो ये हमारा पेस्ट हो चुका है अच्छे से। और ये आपको इतना करीब गाढ़ा रखना है, बहुत पतला नहीं करना है। और हमारी चाशनी भी रेडी हो चुकी है, उसको हमने चेक कर लिया है हल्का सा पानी पे निकाल के, प्लेट में निकाल के। देखिए इस तरह से, और ये ड्रॉप जो है आपकी कहीं नहीं जा रही, मीन्स ये आपकी चाशनी हो चुकी है। तो अब हम इसका पेस्ट जो है वो इस कपड़े में कर लेते हैं जी। चारों तरफ से इस तरह से पोटली सी बना ली है। हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम इस तरह से पकड़ के और इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे आपको इसको राउंड राउंड चलाना है। और आपको इसको अच्छे से क्रिस्पी कर देना है। 2-3 बार आप इसको चला देंगे। ये हमारी फ्राई हो चुकी है अच्छे से। इसको अब हम इसमें से निकाल के और हम हाथ ही हाथ ही जो चाशनी वाला हमारा था उसमें हम डिप कर देंगे। इसको हमने रटना नहीं है अलट से, और चाशनी भी हमारी हल्की सी गर्म होनी चाहिए। इसमें हमने हाथ या डिप कर दिया। इसको हम 5-10 मिनट के लिए इसी में डिप रहने देंगे। इसमें जो चाशनी है वो अच्छे से, ये जो हमारी जलेबी है इनको चाशनी अच्छे से पी लेगी, अच्छे से इसमें सारा रस आ जाएगा। और इसी तरह से हम और भी जो पेस्ट था उसकी जलेबियाँ बना लें। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं। ये देखिए हमारी बनकर तैयार है जलेबी। इनको मैंने चाशनी में से निकाल लिया था। तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।